सोनी टीवी के सीरियल कथा अनकही में अनिरुद्ध वर्मा ने एहसन और वियान की दोस्ती के बीच दरार पैदा कर दी है। जी हां दोस्तों, और जिसकी वजह से एहसन वियान से दोस्ती तोड़ने के लिए भी तैयार हो गया है। दरअसल मुंबई के बांद्रा में ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट की मीटिंग थी, जिसमें एहसन वियान और कथा भी गए हुए थे और वियान का कॉम्पिटिटर अनिरुद्ध वर्मा भी वहाँ मौजूद था और सभी ने अपनी अपनी प्रेजेंटेशन दी ताकि ग्रीन सिटी का प्रोजेक्ट उनको मिल सके। लेकिन जब कथा और वियान ने अपनी प्रेजेंटेशन दी तो कथा और वियान की प्रेजेंटेशन से वेंडर बहुत खुश हो गए और ग्रीन सिटी का प्रोजेक्ट अर्थकॉन को मिल गया, जिसकी वजह से अनिरुद्ध वर्मा बहुत गुस्सा हो गया कि सारी डील अर्थकॉन को ही मिल रही है, वो भी इस कथा की वजह से। इसलिए अनिरुद्ध वर्मा बदला लेने के लिए एहसन को भड़काता है। पूरी मीटिंग में कथा और वियान एक हीरो की तरह लग रहे थे और तुम तो ऐसे लग रहे थे कि जैसे तुम एक्स्ट्रा पर्सन आए हुए हो। तुम्हारी तो इस मीटिंग में कोई वैल्यू ही एड नहीं हुई, सारी प्रेजेंटेशन कथा और वियान ने दी और सारा क्रेडिट उन्हें ही मिला। जिसके बाद एहसन अनिरुद्ध वर्मा को जवाब देते हुए कहता है कि वियान मेरा भाई है, अगर उसने प्रेजेंटेशन दी या मैंने तो बात तो एक ही है। जिसकी वजह से अर्थकॉन को प्रोजेक्ट मिल गया और पिरामिड की हार हुई और एहसन ने अनिरुद्ध वर्मा को भले ही सुना दिया हो, लेकिन अनिरुद्ध वर्मा की बात दिल में जगह कर गई कि बात तो सही है, कथा और वियान ही प्रेजेंटेशन देते रहे और एहसन को बोलने का मौका ही नहीं दिया। जिसकी वजह से एहसन को लगता है कि वियान कथा की नजरों में हीरो बनता जा रहा है, इसलिए अब एहसन का अगला प्लान क्या होगा ये तो देखना होगा। वहीं दूसरी तरफ डोडो की भी सच्चाई धीरे धीरे सामने आती जा रही है कि आखिर डोडो है कौन। वेल, अब देखना ये होगा आखिर कहानी में क्या ट्विस्ट और टर्न्स आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।